दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देख बिहार में कांवड़ यात्रा पर रोक, मंदिरों में नहीं होगी रुद्राभिषेक। जी हां, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने राज्य के मंदिरों में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर यह रोक लगाई गई है ताकि भीड़ न जमा हो सके। राज्य सरकार ने मंदिरों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी है। मंदिरों में रुद्राभिषेक भी नहीं होगा। मंदिर को पुजारी या महंत केवल नियमित पूजा करेंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा कि सावन में राज्य के अधिकांश शिव मंदिरों में कांवड़ यात्रा होती है। इस दौरान मंदिरों में काफी संख्या में लोग शिवलिंग पर जल अभिषेक करने जाते हैं। कई मंदिरों में सावन मेला का भी आयोजन होता है। आम लोगों के लिए सावन में शिव मंदिरों में दरवाजे बंद रहेंगे। राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ धाम, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर, पटना जिले के बिहटा स्थित बेंटेश्वर नाथ मंदिर, वेंकटपुर स्थित वेंकुटानाथ मंदिर में इस बार सावन में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नीतीश सरकार की तैयारी, 20 अगस्त तक पूरे बिहार में लगेंगे 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। जी हां, अगस्त तक पूरे बिहार में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे। इसके बाद राज्य के सभी सदर अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार इसकी तैयारी कर रही है। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कही है। बड़ी खबर, बिहार में अब कोरोना मरीजों की होगी टीबी जांच, स्वास्थ्य विभाग का निर्देश। जहां राज्य में कोविड से संक्रमित सभी मरीजों की टीबी की भी जांच कराई जाएगी। दोनों बीमारियों में बहुत से समान लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे में यह बीमारी एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर सकती है। COVID-19 बीमारी और टीबी की बीमारी का संबंध फेफड़े के संक्रमण से है। दोनों बीमारियों में समान लक्षण पाए जाते हैं, कफ, बुखार और सांस लेने में तकलीफ पाई जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कोविड के साथ टीबी का जांच भी कराई जाए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य द्वारा COVID-19 मरीजों का टीबी जांच भी कराई जाए। कोविड महामारी के दौरान टीबी के मरीजों का सर्च अभियान भी जारी रहनी चाहिए। बड़ी खबर, पप्पू यादव को मिली जमानत लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जानिए क्या है मामला। जी हां, न्यायिक हिरासत में अस्पताल में इलाज करा रहे पप्पू यादव को जमानत मिली है लेकिन वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। पप्पू यादव को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। दरअसल पप्पू यादव को पटना के एक मामले में जमानत मिली है। पटना के गर्दनीबाग थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पप्पू यादव ने पटना कोर्ट से बेल देने की गुहार लगाई है। पटना के सब जज 14 अमलेश कुमार सिंह की कोर्ट ने कल इस मामले में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी है। वैसे इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव जेल से नहीं छूटेंगे। पप्पू यादव अपहरण के मामले में जेल गए हैं जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर, दरभंगा से लद्दाख का सफर हुआ आसान, स्पाइस जेट की विमान सेवा आज से शुरू। जी हां, मिथिला के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा से लेह के बीच अब हवाई सेवा शुरू की जाएगी जिससे लद्दाख में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं पर्यटकों के लिए भी दरभंगा से लद्दाख की यात्रा करना आसान हो जाएगा। 20 जुलाई यानी आज से इस रूट पर 1-स्टॉप हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। स्पाइस जेट एयरलाइंस की विमान यह सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि लेह से दरभंगा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसके लिए 7,261 रुपए यात्रियों को देने होंगे। राज्य में डीजल पेट्रोल 100 के पार पर सीएम नीतीश बोले, रेट तो बढ़ रहा पर गौर नहीं किया, टैक्स कम करने पर करेंगे विचार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है, इस बार सीएम ने कहा कि हां वो सब तो ठीक है। उन्होंने कहा कि टैक्स कम करने को लेकर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया है। ईमानदारी से बता देते हैं, रेट तो बढ़ रहा है लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया है। टैक्स कम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर गौर करेंगे, हम लोग इस पर गौर करेंगे और आपस में विचार भी करेंगे। अखबार में रोज छपता है, हम देखते हैं पर इस पर क्या किया जा सकता है।
बिहार के 8 नदियां लाल निशान के पार, भारी बारिश से सूबे में गहराया बाढ़ का संकट। जी हां, बिहार में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश फिर एक बार शुरू हो गई है। सूबे की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ की समस्या गहराने लगी है। राज्य के 8 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर हुई बारिश से कई नदियों का जलस्तर वापस खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में गंगा लाल निशान के नीचे है, लेकिन बारिश के कारण यह 15 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ चुकी है। नेपाल और उत्तर बिहार के जल ग्रहण क्षेत्र लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में उफान पर है। वहीं बारिश के हालात को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि अगले 72 घंटे के अंदर बागमती, अधवारा और महानंदी नदियों का जलस्तर कई नए स्थानों पर लाल निशान को पार कर जाएगा। कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी गोपालगंज में खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बिहार के प्रमुख नदियों में एक बूढ़ी गंडक भी तेवर बरकरार है। मुजफ्फरपुर में यह नदी लाल निशान से 44 सेंटीमीटर, समस्तीपुर में 206 सेंटीमीटर तो रोसड़ा में 298 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंडक, बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने के कारण चंपारण जिले में बाढ़ का संकट और अधिक गहराने लगा है। बड़ी खबर, बिहार में अगले 24 घंटे का मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जाने कैसा रहेगा जिलों का हाल। बिहार में अभी मौसम सुहाना ही रहेगा, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट अगले 24 घंटे का है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत 20 जिलों में भारी बारिश होगी तो बाकी के 18 जिलों में हल्की मध्यम बारिश के संकेत है। इस दौरान ठनका गिरने की भी घटना हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और सीतामढ़ी, दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल, दक्षिण मध्य बिहार में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। दरअसल राजस्थान से बिहार होते हुए नागालैंड तक ट्रफ रेखा गुजर रही है। इस वजह से मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। इससे पूरे सूबे में बारिश का माहौल बन गया है। राज्य में नल जल योजना में भारी गड़बड़ी, जनता दरबार में नीतीश सरकार के सामने शिकायतों की भरमार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत आने वाले नल जल योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में कल कई फरियादी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे। फरियादियों ने यह शिकायत की कि नल जल योजना में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। फरियादियों की शिकायत थी कि नल जल योजना के तहत जो काम कराया गया है वह आधा अधूरा है। नाम के लिए पानी की टंकी लगा दी गई है, लेकिन नल में जल ही नहीं है। फरियादियों की यह भी शिकायत थी कि योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने पर अधिकारी सुनते तक नहीं है। मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले में पंचायती राज विभाग को संज्ञान लेने को कहा है। तो दूसरी तरफ 1542 रुपये के लिए नीतीश कुमार के सामने जनता दरबार में रोने लगे बुजुर्ग। जी हां, सुशासन के सिस्टम की कलाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही खुल रही है। सरकार से 1542 रुपये के सेटलमेंट के लिए सालों से जद्दोजहद करके हार चुके एक बुजुर्ग व्यक्ति कल जनता दरबार में पहुंचे। नीतीश कुमार को अपनी पीड़ा बताते हुए वे रोने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने सीएम से कहा, हुजूर ऐसा सिस्टम बनाइए मेरे जैसे किसी और आदमी को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। दरअसल उनका बिजली विभाग से 1542 रुपये के सेटलमेंट का मामला सालों से लटका हुआ है। अपनी पीड़ा बताते हुए बुजुर्ग फरियादी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजली विभाग ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर त्रस्त कर दिया है। विभाग के हर अधिकारी के पास उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। हार कर उन्हें 1542 रुपये के लिए मुख्यमंत्री के पास आना पड़ा। बुजुर्ग ने बताया कि वे बिजली कंपनी के MD के पास जाकर भी गुहार लगा आए हैं, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाया। आनन फानन में बुजुर्ग फरियादी का मामला सॉल्व कर दिया गया। लालू से मिलने के बाद जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, मैं इस्तीफा देकर नहीं जाऊंगा, भागने के लिए पार्टी में नहीं आया। राजधानी दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस्तीफे की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए जगदा बाबू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं।
लालू के बेहद करीबी नेताओं में से एक जगदानंद सिंह ने यह भी कह दिया है कि वे भागने के लिए पार्टी में नहीं आए हैं। लालू से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह ने कहा कि मैं पार्टी से भागने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी जिम्मेदारी को किसी दिन किसी को देकर जाऊंगा, इसी तरह इस्तीफा देकर नहीं चला जाऊंगा। बदलाव का समय आता है, हम लोगों की इच्छा है कि समय आ जाने पर बदलाव में विलम्ब न हो, अपने समय पर सब हो जाएगा। पटना और आरा के बाद गया में फल फूल रहा है अवैध बालू का कारोबार, 4,23,00,000 का बालू जब्त। जी हां, पटना, आरा और औरंगाबाद जिले में अवैध खनन और बालू के अवैध कारोबार को लेकर सरकार की सख्ती के बाद बिहार के गया जिले में यह धंधा अब फल फूल रहा है। सोन नदी के बाद बालू माफियाओं की नजर अब फाल्गु नदी पर है। गया जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,23,00,000 रुपये का बालू जब्त किया गया है। बिहार में सरकारी व निजी स्कूलों के पास सड़क हादसे रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी। जहां सड़क के किनारे बने सरकारी व निजी स्कूलों के पास होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसे राज्य के सभी स्कूल प्रबंधकों को मानना होगा। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग को भी महत्वपूर्ण जवाबदेही दी जाएगी। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को समन्वय कर रिपोर्ट तैयार करने का टास्क भी दिया गया है। जरूरत के अनुसार स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। सड़कों पर स्कूल से जुड़ा साइन बोर्ड व गति सीमा भी देने को कहा गया है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बड़े स्कूलों के पास फुट ओवर ब्रिज बनाने की भी व्यवस्था होगी। स्कूल के पास छुट्टी के समय गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित गन्ना किसानों को मुआवजा देने की कवायद शुरू, बिहार में कृषि विभाग लेगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गन्ना किसानों से ऑनलाइन अर्जी लेकर मुआवजा का भुगतान करेगी। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के मुताबिक सरकार का निर्णय है कि फसल क्षति का भुगतान कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने आकलन के लिए चीनी मिलों के प्रबंधकों को संबंधित जिला पदाधिकारियों और जिला कृषि पदाधिकारियों के जरिए प्रतिवेदन मांगा है। शीघ्र ही फसल क्षति अनुदान भुगतान की दिशा में कार्य शुरू कराने की तैयारी है। आवेदन लेने के लिए वेबसाइट तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। वेबसाइट तैयार होते ही किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अंत की बड़ी खबर, बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में होगी सरकारी सब्जी मंडी, खुदरा विक्रेता भी रहेंगे। जी हां, बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय में सरकारी सब्जी मंडी होगी। प्रत्येक मंडी का क्षेत्र करीब 10,000 वर्ग फीट का होगा और निर्माण पर 22,35,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। मंडी में खुदरा विक्रेता भी होंगे ताकि लोग सब्जी की खरीदारी कर सके। इन मंडियों के संचालन के लिए सब्जी उत्पादक किसानों की समिति गठित होगी। सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी। सहकारिता विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि बाहर से आए कामगारों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।